आपकी ताली से मालूम पड़ रहा है अपन कहीं नहीं पहुंचे हैं दानियल का बारह अध्याय था एक और आई आई थिंक हैड फोर थिंग्स वर्ड ओके बारह का दस पढ़िए बारह का दस दानियल की किताब बारह उसकी दस आयत बहुत से लोग तो अपने अपने को निर्मल और उजले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे hmm. परंतु दुष्ट लोग दुष्ट दुष्टता ही करते रहेंगे और दुष्टों में से कई कोई कोई, कोई ये बात न समझेगा परंतु जो बुद्धिमान है वे ही समझेंगे कितने लोगों ने अपने दोस्तों को कभी भी बोला है पागल है तू कितने लोगों ने बोला सच बोला हाथ उठा सच बोला किसी ना किसी को आपने बोला पागल है तू उठा के रखो प्रभु को वीडियो लेने दो नीचे मत करो कोई बात नहीं लेकिन आज आपका डीपी और स्टेटस बदलने जा रहा है क्या मालूम आप दूसरों को पागल बोलते थे ना अगर आप अपने आप को नहीं परखोगे तो आज के बाद से आपका डीपी क्या होगा बोलो मैं पागल हूं मैं पागल हूं क्यों क्योंकि सुनकर भी मैंने अपने आप को प्रभु के हाथ में नहीं सौंपा कि वो मुझे जांचे और जांच कर परखे और मेरे जीवन को बदले बोलो समझ में आ रहा है बोलो समझ में आ रहा है हम प्रार्थना करने जा रहे हैं वी गोन टू प्रे एंड आई रियली बिलीव दैट दिस इज इट्स द फर्स्ट सेशन आई अंडरस्टैंड यू हैव द होल नाइट थिंग्स आर स्टिल गेटिंग इन प्लेस एंड यू स्टोन नॉट लाइकिंग द पीपल हु आर सिटिंग नेक्स्ट टू यू बट दिस इज द कैंप एंड वी आर गोन टू एक्सपेक्ट गॉट टू मूव इन अ हार्ट्स मेरे प्रियो अभी हम यहाँ पर समाप्त करेंगे क्योंकि पहला सत्र है और आपको थोड़ा सा एडजस्ट नहीं हो रहा है या एक दूसरा आपके पास में कोई नया बेटा है या रात भर से बहुत सारे लोग ऐसा लग रहा है कि अभी भी उनकी रेलगाड़ी चल रही है झुकझुक झुक 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 कुछ लोग नींद में झोंके मार रहे हैं क्योंकि आपके हालेलुआया से ही पता लग रहा है परंतु विश्वास रखिए ये कैंप है और सब कुछ बहुत ही जल्दी स्थिर होने जा रहा है बहुत जल्दी हमारे अंदर वो ऑपरेशन चालू हो रहा है, हो रहा है। जोर से तो थैंक यू गेटिंग बेटर थोड़ा बेटर हो रहा है मालूम माल, माल माल समझ गया समझ गया कि आपको अकलमंद को इशारा काफी नहीं है यस ओके सो हम यहां देख रहे हैं देख रहे हैं जो अपने आप को परखेगा परखने के बाद बदलेगा वो बुद्धिमान है और जो नहीं परखेगा और परखने के बाद भी नहीं बदलेगा वो कौन है एक ने प्रभु का वचन सुना इसलिए 12:10. ये परमेश्वर के वचन में यहां पर हमने पढ़ा यहां पर देखा चलिए इस आयत को एक बार और जोर से पढ़ते तब आपको समझ में आएगा एक दो और तीन जोर से कमान बहुत से लोग तो अपने अपने को, को निर्बल और, निर्बल और उजले, उजले करेंगे और, और स्वच्छ हो जाएंगे परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे और दुष्टों, दुष्टों में से कोई ये बात, बात नहीं समझेगा परंतु जो बुद्धिमान है वे ही समझेंगे आपके पड़ोसी को पूछो तो दुष्ट है कि बुद्धिमान है पूछो एक दूसरे को आपके पड़ोसी को हाथ लगाकर कोरोना में हाथ लगाना अलाउड नहीं है सर दूसरे बात बोलो बोलो तू दुष्ट है कि बुद्धिमान पूछो पूछिए 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 ना आप जवाब भी दे दो कुछ लोग खाने के टेबल पर और गार्डन में बात करते हैं चर्च में वो लोग टेप लगा के बैठते हैं आपकी बात नहीं बोल रहा आपके पड़ोसी की बात बोल रहा हूं इसलिए कोई बात नहीं टू थिंग्स आई थिंक दिस इज नाफ वी हैव टू मोर थिंग टू गो बट आई इन मा हाट आई वो जैस मुरे वे थी मैं आपके साथ प्रार्थना करना चाहता हूं कि प्रभु तू हमें जांच कर जान नंबर दो प्रभु तू हमारे अंदर जो कचरा है उसको बाहर निकाल जांच कर जान और जो गलत है और जो तेरी और से नहीं है उसको अलग कर देबर टू okay. ई लाइफ दो बातें आज सुबह के समय हमने देखी पहली बार प्रभु तू मुझे जांच और दूसरी बात हम ये देख रहे हैं कि जो तेरी ओर से नहीं है उस जो तुझे पसंद नहीं है उनको तू अलग कर वन मोर वन मोर थिंग रिलेटेड दिस आई विल यू वन मोर थिंग एक और बात इससे बिल्कुल संबंध रखने वाली समटाइम्स वी थिंक दैट गॉड वॉन्ट्स टू रिमूव थिंग्स दैट आर नॉट गुड फ्रॉम आर लाइफ वी थिंक दिस कई बार हम लोग ऐसा विचार करते हैं कि जो बात हमारे अंदर है या जो चीज हमारे अंदर है और परमेश्वर को पसंद नहीं है वही हटाना चाहता है हम ऐसा सोचते बट द मोर क्लोजर यू वॉन्ट टू कम टू गॉड यू विल हैव टू रियलाइज दैट इवन गुड थिंग्स इवन गुड थिंग्स दैट आर इन योर लाइफ गॉड वॉन्ट्स यू टू रिमूव इट सो दैट यू कैन कम क्लोजर टू हिम एक बहुत बहुत गंभीर बात हमारे जीवन के अंदर हम इस बात को दिमाग के अंदर छाप रखा है कंठस्थ कर लिया है कि प्रभु को जो पसंद नहीं है उसको ही हमेशा प्रभु उसको अलग करते हैं निकालते हैं परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ बातें अच्छी हमारे अंदर है उसको भी प्रभु अलग करना चाहता है अलग करना चाहता है ताकि हम प्रभु की करीब में और और बढ़ते जाए और वेरी डेंजरस ही वांट्स टू रिमूव द गुड थिंग्स फ्रॉम योर लाइफ सो दैट आई कैन गिव यू द ग्रेट थिंग्स इन योर लाइफ मेरे प्रियो ध्यान से सुनिए प्रभु हमारे अंदर कुछ अच्छी बातों को भी या अच्छी चीजों को भी अलग करना चाहता है ताकि उसको अलग कर कर हमें और अच्छी उससे महानिया बड़ी बात देना चाहते कितने लोगों को समझ में रात उठाकर या तो हाँ या ना या चिल्लाइए कुछ बोलिए बोलिए मैं यहाँ हूँ हाल या बोलिए कुछ भी बोलिए ताकि आपको प्रभु मैं क्या फॉर फॉर से उदाहरण के लिए देखिए आई लाइक म्यूजिक लेट से आई लाइक म्यूजिक मैं मैं वाद्यंत्र को पसंद करता हूँ oh, like मुझे संगीत सुनना बहुत अच्छा लगता है वॉट्स रॉन्ग अबाउट दिस म्यूजिक और ये संगीत सुनना गाने सुनना कौन सा गलत बात है What's wrong about this music? <laughs> What's wrong about this music? ये संगीत जो बज रहा है उसको सुनना क्या गलत है What's wrong? क्या गलत है ये What's wrong? अरे इसके साथ क्या गलत है <laughs> What's wrong? ये जो संगीत अभी बज रहा है उसको सुनना क्या गलत है कि मैं जिंदगी भर तानपुरा सुनता रहते ये सुनता रहूं क्या क्या उवे, आ, उवे. ये संगीत सुनना क्या बुरी बात है क्या मैं हमेशा वही सुनता रहूं बट दैट्स व्हाट आई लाइक मुझे तो ये पसंद है क्या मैं तुम लोगों को चाहिए हमको चाहिए हम युवा पीढ़ी के लोग हैं हम लेटेस्ट जमाने में जी रहे हैं क्या बोला लिए, ताली बजा दो के, लिए यार। हम के लोग हैं हमको ये सब पसंद है तुम्हारे जैसे बुड्ढे थोड़ी नहीं है पुराने जमाने के गाने सुना करेंगे दिस इज दिस इज किचन म्यूजिक किचन ये तो भाई रसोई का म्यूजिक है आपने बोला किचन सामने वाले को लगा क्रिश्चन लेकिन क्रिश्चियन नहीं है किचन किचन म्यूजिक सामने वाला भी बेचारा पापा है उनको क्या मालूम बापू व्हाट डज बापू नो ही ओनली नो हालू सो यू बेव गॉड वांट्स यू टू रिमूव दैट बिकॉज यू लाइक इट व्हेन यू रिमूव दैट गॉड विल से रेडी

और उस यंत्र उस तरंग के अंदर या ताल में कोई गलत नहीं है बाप नहीं है मे बी दैट इज कीपिंग यू अवे फ्रॉम कमिंग क्लोजर टू जीसस। परंतु वो जो हमारे अंदर हमने बिठा के रखा है वो परमेश्वर की करीबी में जाने के लिए एक रुकावट का यू मे नॉट बी स्मोकिंग यू मे नॉट बी ड्रिंकिंग यू मे नॉट बी डूइंग बैड थिंग्स अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड बट आर थिंग्स इन योर लाइफ चीजें सिगरेट पीना और अन्य चीजें करना हमको नहीं पसंद उससे हम दूर हैं। परंतु कुछ बात है जो आज सुबह के समय प्रभु हमें हटाने के लिए It could be sports, it could be sports, हो सकता है खेल हो सकता है be T20. हो सकता है हम टी20 के दीवाने होंगे देयर आर इट कुड बी सम ऑफ यू दैट यू कैन मिस अ चर्च सर्विस बट यू डोंट वांट टू मिस अ क्रिकेट मैच सर्विस देखिए हम क्रिकेट के दीवाने इतने हो चुके हैं कि मैच सवेरे के सेशन में फंस गया और उस दिन रविवार है हमने रविवार को अलग कर दिया और क्रिकेट के सामने बिल्कुल तैयारी के सामने आप पापा मम्मी को अपने आराम से झूठ बोल दिया दुख रहा है आज आप लोग जाओ मैं बाद में आऊंगा जल्दी निकलो दर्द हो रहा है निकल गए क्या? गए क्या? गई क्या गई क्या कई लोग अपने मम्मी पापा को इतना चुना लगाते इतना चुना लगाते क्या बजा दो चुने के लिए भी यार कि वो जब मम्मी पापा तैयारी में रहते बेटा तू क्या कर रहा है जल्दी कर तो बोले मम्मी मुझे बहुत दर्द हो रहा आज है आज ऐसा लग रहा है मीटिंग नहीं जा पाऊंगा आज तो मुझे इतना दर्द है कि मीटिंग में मैं जा भी नहीं पाऊंगा अगर कभी आपको ऐसा लगे तो मुझे बुलाना दस नंबर का जूता मेरा है <laughs> कभी भी आपको लगे ऑल इंडिया सर्विस फ्री है <laughs> ये उड़ जूता उड़ता हुआ मिल्खा सिंह सुने वैसे उड़ता हुआ जूता है घर रुकने की अगर हो रही है आपको जल्दी मेरे को फोन करना आपको के लाएंगे हम तो जेसीबी जेसीबी से लाकर बैठाएंगे बोलो समझ में नहीं आ रहा है बोलो आएगा। <laughs> इसलिए तो प्रभु कैंप में लाया पड़ोसी को बोल दो तेरे कारण मैं फंस गया बोलो एक दूसरे को गॉड <laughs> wants टू रिमूव द गुड थिंग्स फ्रॉम our लाइफ सो दैट he कैन गिव द ग्रेट थिंग्स परमेश्वर आज हमारी पसंदीदा बातों को भी अलग करना चाहता है आवर स्लीप कुछ उत्तम हमारे ऊपर आवर स्लीप हमारा सोना आवर फैशन हमारा फैशन आवर ब्यूटी हमारी सुंदरता आवर स्टेटस हमारा क्या बोलना पद्वी, चाहिए पदवी पदवी आवर टाइटल हमारा टाइटल आवर स्प्रे और हमारा वो परफ्यूम हां आवर ब्यूटी वैनिटी किट और हमारा सुंदरता करने वाला पूरा जो मेकअप का सामान घंटों घंटों तक आईने के सामने पाप नहीं है लेकिन अगर वो चीज तुझे खुदा से दूर कर रही है आज उसको जलाने का दिन है वो। हम उन सारी बातों को बोलने से वो पाप नहीं है क्योंकि आपका ही पैसा हमारा तो कुछ नहीं है क्या यार। इस बात तालिबाजा बात का ध्यान रखिए कि ये आपकी सुंदरता या आपका वो सामान आपको जो आप सुंदर करने के लिए सामान इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपको प्रभु से दूर नहीं ले जाना। आपको लग रहा है आप सुंदर हो रहे हो दूसरों से पूछो जो हालत थी उससे भी खराब हो रही है आपकी <laughs> बोलना मत और कुछ चुना लगा देगा ये